वेलकम हीलिंग पर्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है फुल मून इन कैंसर के बारे में। और अगर आप पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रो रहेगा, अपडेट रहेगी एनर्जी की, और फिर रहेगी आपकी पिका कार्ड रीडिंग। तो ये जो फुल मून इन कैंसर है, ये डेफिनेटली इमोशन से भरा हुआ रहेगा। यानी कि कैंसर जो है वाटर साइन है, और वाटर जो है इमोशंस की बात करता है हमेशा की तरह ही। तो इमोशंस के साथ लेसन्स भी आते हैं, तो लेसन्स लर्न कर रहे हैं आप इस फुल मून इन कैंसर के अंदर। कैंसर आपके लिए कंफर्ट की बात करता है, नरिशमेंट की बात करता है, आपके लिए सेफ्टी की बात करता है। ये रूल होता है मून से, तो डेफिनेटली आपके जो इमोशंस हैं उनको हील करना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये जो फुल मून इन कैंसर है, ये हीलिंग की बात भी करता है। इनकी अगर आप कहीं अपने आप को वुंडेड महसूस करते हैं, या आपको लगता है कि आपके इमोशंस हाई या लो हो रहे हैं, तो उनको देखना जरूरी है। उनको ये देखना जरूरी है कि वो आपको कहाँ पे हिट कर रहे हैं, या फिर वो किस लिए आपको हिट कर रहे हैं, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, उन सब चीज़ों को देखना जरूरी है। आपके लिए जिन चीज़ों में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट आप फील करते हैं, जिन इमोशंस में, चाहे वो प्रोफेशनली हो पर्सनली हो, आप वहाँ पे इतना ज़्यादा अटैचमेंट इमोशंस क्यों महसूस करते हैं, और उन इमोशंस की वजह से, उन अटैचमेंट की वजह से कहाँ पर आपकी ग्रोथ में या फिर आपकी लाइफ में बैलेंस करने में आपको दिक्कत आ रही है, ये रहेगा। फर्स्ट फुल मून है आपके लिए कैंसर का, इमोशनल रह सकता है, थोड़ा सा ट्रॉमेटिक भी रह सकता है कुछ लोगों के लिए। तो जैसा आप चूज कर रहे हैं लाइफ में, वैसे ही एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे। फीलिंग्स और इमोशंस आपके लिए हाई रहेंगी। और याद रखिएगा, अगर आपके पास पावर है तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। तो अगर आप पावर के साथ अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं, तो डेफिनेटली आप पावर को मिसयूज कर रहे हैं, और वो आपको कहीं भी लेकर नहीं जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो लोग भी अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं, डेफिनेटली वो एक ऐसी एनर्जी या ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर वो अनहील्ड इमोशंस के साथ जी रहे हैं। तो अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर आपके पास में पावर है, लेकिन आप अपने इमोशंस को हील करना नहीं चूज कर रहे हैं, आप वुंडेड हैं, आप अपने बिलीफ सिस्टम्स में हैं, या फिर आपको लगता है कि आप बार बार उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं पैटर्न्स को दोहराते हैं, उन्हीं चीज़ों को रिपीटेटिवली करते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, तो डेफिनेटली ये आपके लिए एक अनहील इमोशन की बात करता है। तो ये आपको देखना होगा इस फुल मून में कि आपके वो कौन से अनहील इमोशंस हैं जिनको हील करना जरूरी है। आपकी इंट्यूशंस डेफिनेटली इमोशनल होता है, कैंसर तो वाटर के साथ में आपकी इंट्यूशन भी जुड़ी होती है, तो आपकी इंट्यूशंस आपको बताएंगी कि आप कहाँ पे अनस्टेबल हैं। तो उन इमोशंस को देखिएगा। अगर कोई टावर मोमेंट आपको लगता है कि आपके लाइफ में आ रहा है, तो कोई बात नहीं, वो बहुत अच्छा है, वो आपकी फाउंडेशन को डेफिनेटली शेक करने के लिए आ रहा है। कोई शॉकिंग न्यूज मिल सकती है, लेकिन वही जो शॉकिंग न्यूज आपके लिए होगी, कुछ शेक करना होगा, वही आपकी लाइफ को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगा। यानी कि वेलकम कीजिएगा टावर मोमेंट का, बहुत ही खुशी के साथ में, बहुत ही स्टेबिलिटी के साथ में। साथ ही साथ जो प्लैनेट्स हैं रेट्रोग्रेड हैं, तो उनका असर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। रिलेशनशिप जो भी आपके होंगे, उनको थोड़ा सा सर्वाइवर मोड में रहना पड़ सकता है। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपके जो इमोशंस हैं वो किस तरह के हैं, रिलेशन आपके किस तरह के हैं। करेक्टिव में आपको यही देखना पड़ेगा कि जो भी आपकी अनहील इमोशंस हैं उनको आप यहाँ पे हील करें, अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को यहाँ पे हील करने की कोशिश करें। जहाँ पर भी आपको लगता है आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, डिसीजंस को लीजिए। जहाँ पर आपको ये लगता है कि चीज़ें आपके लिए उतनी अच्छी नहीं हो रही हैं, तो वहाँ पर आप खुलकर कम्युनिकेशन करने की कोशिश कीजिए। कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप के अंदर एक बाउंड एनर्जी महसूस होगी, तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप उन चीज़ों की तरफ फोकस करें जिनमें आपको क्लैरिटी चाहिए, और उन चीज़ों को रिलीज करें जो कि आपकी लाइफ में सर्व नहीं करती। साथ ही साथ आपको ये भी चाहिए कि अपने सोल पर्पस के साथ में, या फिर अपने नॉर्थ नोड के साथ में आप कनेक्ट हो, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए, ये जरूरी है कि आप अपने नॉर्थ नोड के साथ में काम जरूर करें। कोई भी इंसान हो, सबको अपने सोल पर्पस की तरफ फोकस करना है और अपने ऊपर फोकस करना है। जैसे पिछले साल की एनर्जी थी कि आप जो भी चूज कर रहे हैं वही आपका डिसीजन है, इसी तरह से इस साल में अगर आप सेल्फ केयर की एनर्जीज में नहीं है, या फिर आप अपने आप से प्यार नहीं कर रहे, अपनी केयर नहीं कर रहे, आपका ध्यान दूसरे लोगों की तरफ है, उनकी ग्रोथ की तरफ है, उनकी हैप्पीनेस की तरफ है, तो आप अपना सब कुछ खोते जाएंगे। तो मेरी इस बात को जरूर याद रखिएगा कि आपका फोकस अपने आप पे होना चाहिए। न्यू अपॉर्चुनिटीज सभी को मिलेंगी, तो आपके लिए जरूरी है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज की तरफ आप ओपन जरूर रहें। अपने कम्फर्ट का ध्यान रखिए, अपने आप को नरिशमेंट की तरफ लेके जाइए, और
डेफिनेटली मून है, फुल मून है, न्यू मून है, या कोई अदर ऐसे अकेजन्स होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं, तो लोग उन पे रिचुअल्स करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, जादू टोने करते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने आप को ग्राउंडेड रखिएगा, अपना प्रोटेक्शन कीजिएगा, अपने आप को संभाल के रखिएगा, प्रोटेक्शन कीजिएगा, प्रेयर्स कीजिएगा, साथ ही साथ आप उन चीज़ों को रिलीज़ कीजिए जो आपकी लाइफ में सर्व नहीं करती, और ऐसी चीज़ों ऐसे लोगों को हाँ नहीं कहनी है जो आपके पर्पस को सर्व नहीं करते। डिटैच होकर देखना है सारी सिचुएशन को ताकि आप सही डिसीजंस ले पाएं। आपको जो जिन चीज़ों पर काम करना है अगर उसकी तरफ आप फोकस करेंगे तो आप अच्छे रिजल्ट पाएंगे। जहाँ आपको लगे कि आपको रिट्रीट की ज़रूरत है, रिचार्ज होने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल रिचार्ज कीजिए, रिट्रीट कीजिए, रिफ्लेक्ट कीजिए और रिलीज़ कीजिए उन चीज़ों को, क्योंकि मर्करी रेट्रोग्रेड भी चल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ों को आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। जो फुल मून इन कैंसर है, कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को चरम सीमा पे लेके जाएगा। फुल मून है और कैंसर में है, बहुत सीधी सी बात है। अपनी इमोशंस को आपको देखना होगा, क्या आपको स्टॉप करना है, क्या स्टार्ट करना है, किन चीज़ों को बढ़ाना है, किन चीज़ों को आपको अपनी इंट्यूशन के द्वारा गाइड करना है, कहाँ आपको बाउंड्री सेट करनी है। इन सब चीज़ों को अगर आप देखेंगे या इन सब चीज़ों की तरफ अगर आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ फुल मून इन कैंसर है तो आपको अपने इमोशंस को यहाँ पर रिलीज करने के लिए अगेन आप रिचुअल कर सकते हैं, वही कि आप एक लेटर में लिखे या फिर आप कहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसके बाद आप उसको डिलीट कर सकते हैं इस इंटेंशन के साथ में कि आप उन चीज़ों को रिलीज कर रहे हैं, या फिर आप एक कागज पर लिख कर उसको बर्न कर सकते हैं। फुल मून में मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर आपको कोई अदर तरीका पता हो मेडिटेशन का तो वो भी आप कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे तो मेडिटेशन भरे ही रहते हैं इस टाइम पीरियड में, तो आप उनमें से भी कोई कर सकते हैं। आपको आपका कोई पसंदीदा मेडिटेशन है आप उसको कर सकते हैं। अपनी टीम के साथ में आप कनेक्ट हो सकते हैं और कोशिश कीजिएगा ऐसे लोगों से दूर रहें जो कि मैनिपुलेशन की एनर्जीज में होते हैं या मैनिपुलेट करते हैं आपको, आपके इमोशंस को, साथ ही साथ आपको जज करते हैं या फिर आपको बुली करने की कोशिश करते हैं, स्टबन होते हैं। तो कोशिश कीजिएगा ऐसे लोगों के साथ में आप थोड़ा सा इंटरेक्शन ना करें, और ये भी कोशिश कीजिएगा कि आप खुद भी ऐसी चीज़ें ना करें, अदरवाइज आप अगेन फिर अनहील्ड इमोशंस की स्टेज में ही रहेंगे और उससे आपको परेशानी होगी। डेक कार्ड है यहाँ पे माँ सीता का। ये कार्ड आपके लिए सेल्फ सेक्रीफाइस की, डिवोशन की एनर्जीज की बात करता है, जहाँ पर आपको एक सीमा तय करनी होती है कि कहीं आप जरूरत से ज्यादा तो चीजों को नहीं कर रहे। ऑप्शन वन के लिए कार्ड है लॉर्ड बुधा का, मास्टर बुधा का। ऑप्शन टू के लिए कार्ड है लॉर्ड हनुमाना का। यहाँ पे कार्ड है सत्य का, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। आप चाहें तो ऊपर दिख रहे ऑप्शन से चूज कर सकते हैं, आप चाहें तो गाइडेंस के लिए पूरा वीडियो देख सकते हैं, एक से ज्यादा ऑप्शन चूज कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ ऑप्शन वन के साथ में। वेलकम ऑप्शन वन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपको फुल मून इन कैंसर की एनर्जीज क्या गाइड करने की कोशिश कर रही है, क्या मैसेजेस हैं। मैं चीज़ों को बहुत ही सिंपल रखने वाली हूँ आज की रीडिंग में। 10 स्टार का कार्ड है, यानी कि बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाते हुए मैं आपको बहुत ही सिंपल जो मैसेजेस हैं वो देने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ये जो फुल मून है ऑलरेडी आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल रखने वाला है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा डीप मैसेजेस की ज़रूरत नहीं है, ताकि आप सोच में ना पड़ें, आपको थोड़ा सा रिलैक्स रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है चैरियट का। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। यहाँ पर कार्ड है सिक्स ऑफ वांड्स का। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ओके, यहाँ पर कार्ड है एस ऑफ पीस का, यानी कि एस ऑफ पेंटकल्स का। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है आपके लिए हाई प्रिस्टिस का। हाई प्रिस्टिस भी साइकिक एबिलिटीज की बात करती है, जो मून होता है साइकिक एबिलिटीज से, इमोशन से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर फुल मून है तो आपकी आपकी क्या सभी की, मतलब यहाँ पे साइकिक जो एबिलिटीज होती हैं हाई रहती हैं, तो आपकी भी रह सकती हैं अगर आपके पाइल में ये आया है मैसेज। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान इसलिए भी दीजिएगा क्योंकि आप अवेयर हैं। यहाँ पे मास्टर बुद्धा का कार्ड है, आपके नॉर्थ नोड का कार्ड है, चैरियट का कार्ड है, सिक्स ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है, ये सोर्स का कार्ड है आपके लिए, एस ऑफ वॉन्ट्स का। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ओके, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है मैच्योरिटी का। अगर आपने साईं बाबा वीडियोस नहीं देखा है सेकंड चैनल पे, देख लीजिएगा, उसमें भी कुछ ऐसे ही सेम कार्ड आए हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पे कार्ड है लवर्स का। ओके,
आप अवेयर हैं कि आप किस तरह के लोगों से डील करते हैं, आप अवेयर हैं कि आपको किन लोगों को अपनी लाइफ में रखना है या किन लोगों से आपको दूर होना है। आप में मैच्योरिटी आ रही है, पुलमून आपको और भी ज़्यादा मैच्योर करेगा। न्यू विजन ये आपके स्टक होने की बात करता है, लेकिन आपका आपकी जो इंट्यूशंस हैं आपको गाइड कर रही हैं एक्चुअली कि आपको किस दिशा में जाना है, या फिर आपको करेंगी इस पुलमून इन कैंसर के अंदर कि आपको किस दिशा में जाना है या किस तरह से आगे बढ़ना है। यहाँ पर आपके लिए जिस तरह के मैसेजेस हैं वो क्लियरली आपकी साइकिक एबिलिटीज की बात करते हैं और एक हीलिंग एनर्जी की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप कोई हीलर हो सकते हैं, चाहे आप कोई कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर आप किसी ऐसी एनर्जीज में हैं जहाँ पर आप लोगों को हील करने में विश्वास रखते हैं या फिर अपने वुंड्स को हील करने में विश्वास रखते हैं। तो पेनफुल सिचुएशन के साथ में आपके लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें बदल रही हैं या फिर बदली हैं पास्ट में, जिसकी वजह से आपके अंदर एक मैच्योरिटी आ गई है। आप स्टेबल हैं, यानी कि ये फुल मून डेफिनेटली आपके लिए स्टेबिलिटी लेकर आया है और आप ऑलरेडी स्टेबल पोजीशन में हैं। साइंस का मैसेज है, मेडिटेशन का मैसेज है, आप ऑलरेडी मास्टर बुद्धा की एनर्जीज में हैं या फिर आप इस तरह की एनर्जीज के साथ में कनेक्टेड हैं जो कि आपको ये कहती हैं कि आपको अवेयर होकर सोर्स के साथ कनेक्ट होना है। बहुत क्लियर मैसेजेस हैं, आपको न्यू विजन यहाँ पर डेवलप, आपके लिए न्यू विजन यहाँ पर डेवलप हो रहा है और आपको नई परिभाषा, नए गणित, नई कहानियां समझ में आ रही हैं सब चीजों के लिए। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है द स्टार का। द स्टार का कार्ड कहता है कि आपको अपनी हीलिंग होने देनी चाहिए, आपको बार बार उन चीज़ों को नहीं दोहराना चाहिए जो कि वुंडेड एनर्जी से आती हैं। ये फुलमून आपको सबक सिखा सकता है, यानी कि ये फुलमून आपको ये लेसन लर्न करने में मदद करेगा कि हील होना कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इस चीज़ को समझ रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो उसको करते रहिए। अगर आपके साथ में ये चीज़ें आप कर रहे हैं, ये मैसेजेस आप अपनी लाइफ में अपना चुके हैं या फिर अपना रहे हैं या आप काम कर रहे हैं प्रेजेंट में, बहुत अच्छी बात है, ये आपके लिए कंफर्मेशन है, कंटिन्यू कीजिए। लेकिन अगर ये बातें आपके साथ रेजोनेट करती हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपको करनी है या इन फ्यूचर आपको करनी पड़ सकती हैं, इस बात का ध्यान रखिए। द स्टार का कार्ड और मैच्योरिटी का कार्ड है यहाँ पे सोर्स के साथ में, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप बहुत मैच्योर हो चुके हैं उस सिचुएशन के लिए जहां पर आप अपने सोल पर्पस के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं या फिर अब आपको हो जाना चाहिए। यानी कि यहां पर आपको लगातार ये साइन मिल रहे हैं कि आप एक अवेयर सिचुएशन में हैं, आपके इंट्यूशंस आपको आपकी लाइफ पर्पस के साथ में जोड़ रही हैं या जोड़ने के लिए कह रही हैं। ये लाइफ पर्पस आपका किसी भी फील्ड में हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आप साइकिक हों, कोई हीलर हो, आपको ऐसा काम भी हो सकता है करते हो जिससे लोगों की मदद हो सकती है या फिर भविष्य में आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, यानी कि कुछ बड़ा आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन ये मैच्योरिटी आपके अंदर से आनी चाहिए कि आपको कहाँ रुकना है और कितना करना है और कितना रुकना है। इनके बेलगाम घोड़े की तरह आपको नहीं भागना है, यहाँ पर आपकी इमोशंस पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। ये मुझे ऐसी ही एनर्जीज मिल रही है जहाँ पर जब आपके साथ में जब आप इमोशंस में होते हैं तो शायद आप बह जाते हैं। ये बहना आपके लिए कभी भी अच्छा नहीं रहा है, यानी कि देखिए चैरियट का जो कार्ड है ये कैंसर की एनर्जीज को ही बताता है। तो अगर आपकी इमोशंस बैलेंस में नहीं है तो कहीं ना कहीं फिर वो चीज़ें आपको दुख देती हैं, आपको तकलीफ देती हैं। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप अपनी लाइफ के अंदर एक स्टेबिलिटी लेकर आएं अपने इमोशंस के अंदर, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड एस के हैं, नई शुरुआतें आपके जीवन में है, ये कार्ड भी एस का है, यानी कि यहाँ पे एस ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड अलग अलग रूपों में दो बार अपीयर है। मैच्योरिटी आ रही है आपको आपके फाइनेंसिस के लिए या फिर आपके बिजनेस के लिए, वर्क के लिए, कैरियर के लिए, और आप उस फील्ड में कुछ करना चाहेंगे या फिर आप करेंगे। आप पाएंगे कि आप जिस भी सिचुएशन में लोगों के साथ में उलझ रहे थे वो सिचुएशंस आपके लिए बेकार थी या फिर वो लोग वो चीज़ें वो बातें आपके लिए वर्थ नहीं करती थी। आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग हुई है, यानी कि आप उन लोगों में से हैं यहाँ पे जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग हुई है, या फिर आप सोर्स के साथ जुड़े हैं, या फिर आपकी लाइफ का कोई बहुत ही टॉक्सिक सर्कल जो है कंप्लीट हुआ है, कोई साइकिल आपका कंप्लीट हुआ है, कुछ ना कुछ आपके लिए फुल सर्कल में आया है या फिर आएगा फर्स्ट फुल मून के साथ में, यानी कि इस कैंसर की एनर्जीज के साथ में कुछ ना कुछ आपके लिए फुल सर्कल में आ रहा है, पूरी तरह से कंप्लीट हो रहा है। तो आपकी इंट्यूशन ये आपको मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि आप बहुत मैच्योर हो चुके हैं अपनी लाइफ के पर्पस के साथ जुड़ने के लिए या नई शुरुआत करने के लिए, इसको उसी तरह से आपको लेना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये देखना होगा कि आपको कुछ सिचुएशंस में आगे बढ़ना है और अपनी बाउंड्रीज को सेट करना है, मतलब आपके अंदर ये मैच्योरिटी है कि आपको लाइफ में किस रिश्ते में कहाँ कितना देना है या क्या नहीं करना है। ये आपको साइन मिलेंगे भी और आपको ये समझ में भी आएगा, यानी कि कुछ ऐसी एनर्जीज हैं आपकी जैसे उलझे उलझे से हैं किसी जगह पे, परेशान परेशान से हैं किसी जगह पे, सब चीज़ें उलझ रही हैं क्योंकि यहाँ पे हीलिंग के कार्ड हैं। आप अंदर से चीज़ों को समझ रहे हैं, कहाँ पे क्या करना है उसको समझ रहे हैं। आपसे ये भी कहा गया है कि अगर आपको विक्ट्री मिलती है तो उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, आपकी विक्ट्री आपकी हार्डवर्क का नतीजा है, तो आपको अपने हार्डवर्क को यहाँ पे सेलिब्रेट करना चाहिए। आपको इस
मेहनत के साथ में, इस हार्ड वर्क के साथ में, मैच्योरिटी के साथ में आगे बढ़ना है और एक बैलेंस क्रिएट करना है। आप सब चीज़ों के लिए अवेयर रहेंगे इस फुल मून में कि आपके साथ में क्या हो रहा है या आपके साथ में क्या क्यों हुआ था, आपकी लाइफ में किस लिए चीज़ें हो रही थी। आपके लिए एक फुल सर्कल आएगा और वो चीज़ें आपकी लाइफ में पूरी तरह से उस साइकिल को कंप्लीट कर देंगी जो कि जिसमें आप उलझे हुए थे, जिसमें आप लगातार एक फाइट कर रहे थे या फिर आपको फाइट बैक करना पड़ रहा था, या उलझन, एक उलझन सी मुझे यहाँ महसूस हो रही है क्योंकि आपके पाइल में बातों को कहने के लिए या आपकी मैसेजेस को कहने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है कि मैं कौन से शब्द आपसे बोलूं, क्योंकि यहाँ पर आपके नोटिस में ना हर तरफ जैसे तूफान है, आपके जीवन में हर तरफ तूफान चल रहा है, आपके अंतर मन में तूफान चल रहा है। हालांकि आप शांत हैं, इन तूफानों में आप शांत हैं, आप अवेयर हैं यहाँ तूफान है, आप शांत हैं, लेकिन तूफान ही तूफान है आपके आसपास, आगे पीछे। आपके कार्ड्स भी, हालांकि आपको लग रहा होगा कि ये कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, चीज़ें हैं, कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, रियल में कार्ड बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसकी जो एनर्जी मैं यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ ना, एक उलझाव वाली है, उलझन वाली है, जहाँ पर आपके लिए सब चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, इसलिए अभी कुछ सेटलमेंट नहीं हुआ है आपका। यानी कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो कुछ सेटलमेंट की तरफ जा रही हैं, स्टेबिलिटी की तरफ जा रही हैं। इसलिए अगर आपको लग रहा हो कि चीज़ें नहीं हो रही हैं तो उनको गो विद द फ्लो कर देना, आपको इसी शांति में रहना है। आपको साइंस मिलेंगे, इसलिए आपको न्यू विज़न, आपको आपका न्यू विज़न आपको चीज़ों को देखने के लिए मदद करेगा, या फिर एक न्यू विज़न आपके लिए इस फुल मून में आएगा जिससे कि आप समझ पाएंगे कि ये चीज़ें आपके लिए क्यों हो रही थी। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि बहुत स्ट्रांग किसी फीमेल डीटी से जुड़े हों, या फिर आपकी जो आस्था है बहुत स्ट्रांग हो सकती है किसी भी ऐसी डीटी के लिए जो कि आपको बार बार ब्लेस करती हैं। यानी कि यहाँ ब्लेसिंग्स मुझे समझ में आ रही हैं आपके लिए, और वो ब्लेसिंग्स आप प्रेयर करते हैं और वो ब्लेसिंग्स आपको मिलती भी हैं। अब ये कोई भी फीमेल डीटी हो सकती हैं, लेकिन है यहाँ पे ऐसा कुछ। ओके, तो यहाँ पे आपको कहा गया है कि अब ये समय है कि आप मैच्योर लेवल पे काम करें और अपने आप की लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करते हुए आगे बढ़ें। यानी कि खुद को विजेता मानना अब आप शुरू कर दें, या आप कर देंगे इस फुल मून से, क्योंकि आपको पता है कि आपने लाइफ के बहुत बड़े बड़े लर्निंग लेसन ले लिए हैं। आपको पता है कि आप लाइफ में बहुत कुछ सीख चुके हैं। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि अपनी लाइफ में अपने अंदर एक बैलेंस क्रिएट करते हुए, अगेन ये भी बैलेंस का कार्ड है दोनों, तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करना है। ये बैलेंस भी आपके अंदर, आपके अंतर मन से ही क्रिएट होता है, अंदर से ही आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मैच्योरिटी, ये आपका सोर्स से जुड़ना, ये एक अंतर्द्वंद जो कुछ भी आपके अंदर चल रहा है, ये एक बैलेंस आपको दे रहा है, एक पीस आपको दे रहा है और एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में ला रहा है। आपसे कहा गया है पैसों की चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मून आपसे आपको यही मैसेज करने की, यहाँ पर मून आपको यही मैसेजेस दे रहा है कि आपके अंतर मन में आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसलिए अपनी आईज को क्लोज कीजिए, रेस्ट कीजिए, और आप अवेयर हैं इसलिए आपको पता है आपको कब कहाँ क्या करना है। साइंस आपको मिलेंगे, उन साइंस को सुनना है, और वो साइंस आपको कहीं ना कहीं जोड़ रहे हैं आपके नॉर्थ नोड से। इनकी यहाँ पर अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो आपके पाइल में कहने के लिए कुछ नहीं है। आपके पाइल में जिस तरह के मैसेजेस हैं वो आपकी लाइफ में बस ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए रिसेप्टिविटी अपनी बना के रखो। ये जो न्यू विज़न आपको मिल रहा है उसमें ईश्वर, ईश्वर के साथ डेफिनेटली आप कनेक्टेड हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी भूमिका है आपके स्ट्रगल की जो मुझे यहाँ महसूस हो रहा है। फुल मून इन कैंसर जो है आपकी लाइफ में बहुत सारे चीज़ें ऐसी लाएगा जो कि आपको बियॉन्ड इल्यूज़न देखने के लिए मदद करेंगी। यानी कि इल्यूज़न से आप परे हो जाएंगे। आप अगर पास्ट की किसी एनर्जी के साथ में क्लिंगिंग रहते हैं या आप उसमें उलझे रहते हैं तो वहाँ पर भी एक हारमोनी आएगी। आप बैलेंस रहेंगे इसलिए आपको बहुत कुछ समझने का मौका भी मिलेगा। ऑनेस्टली कुछ ज़्यादा कहने के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आप ईश्वर पे बहुत विश्वास कर रहे हैं और वो विश्वास आपका पूरा भी हो रहा है। लॉस्ट इन थॉट मेडिटेट, अगेन मेडिटेशन का मैसेज है आपके लिए। आपसे कहा गया है मेडिटेशन करते रहेंगे तो आपकी सिचुएशन आपको समझने में मदद मिलेगी, और अगर किसी कारण आप मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर आप चीज़ों को लेट गो कीजिएगा, ईश्वर पे छोड़ दीजिएगा, और आप देखेंगे कि चीज़ें अपने आप हो रही हैं। यानी कि अपने एक्शंस जरूर लीजिए, अगर आप मेडिटेशन नहीं भी कर पाते हैं अपने एक्शंस लेते रहिएगा। लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो आपको, आपके लिए कोई यात्राएं हैं इसलिए किसी चीज़ का डिसीजन आपको लेना पड़ता है इन फ्यूचर, तो बिल्कुल लीजिए। यहाँ पर आप मेडिटेशन कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए आपका नॉर्थ नोड क्या है। साथ ही साथ आप ये देखिए कि आप
जिस कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपनी लाइफ की रीस्टार्ट कर सकते हैं, लाइफ को स्टार्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच, तो लाइफ में आपको कुछ टीम वर्क करना पड़ सकता है, कुछ काम करना पड़ सकता है। टीम वर्क से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने आप पे विश्वास बहुत ज़्यादा आएगा इस फुल मून के बाद में। आपको ये समझ में आएगा कि लाइफ को लेकर आपको प्रैक्टिकल अप्रोच ही करनी है, चीज़ों को लीड करने के लिए आप बने हैं। 50-50 डील, तो यहाँ पर आपका कोई नफा नुकसान नहीं हो रहा है किसी चीज़ से। यहाँ पर आपकी लाइफ में जो कुछ भी होगा वो बैलेंस स्टेज में ही होगा, यानी कि कोई भी ऐसी बात जिसको लेकर आप बहुत वरीड हैं वो चीज़ें नहीं होने वाली हैं। जो कुछ भी है यहाँ पे बैलेंस ही रहने वाला है। तो सोर्स बैलेंस बिटवीन 3D एंड 5D। तो यहाँ पर आपको फुल मून की एनर्जी से यही कह रही है कि आपको अपने फिजिकल वर्ल्ड में और आपको अपने कहीं ना कहीं जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसमें एक बैलेंस बनाना है, और उसी बैलेंस को बनाने के लिए ही आपसे कहा जा रहा है इतना वरीड नहीं हो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ ध्यान ना दो, अपने नॉर्थ नोड की तरफ ध्यान ना दो। तो अपने नॉर्थ नोड की तरफ न्यू विजन के साथ अब आपको आगे बढ़ना है। सरेंडर कम्प्लीटली, मैच्योर आप हैं इतने कि आप चीज़ों को सरेंडर करके चल सकते हैं, आप रिलैक्स हो सकते हैं। कुछ मामलों में आपके लिए ये रिलैक्सेशन का टाइम है कि आप रिलैक्स होकर आगे बढ़ें और ये देखें कि आपकी लाइफ में आपने कहाँ सरेंडर किया, कहाँ नहीं किया। अपनी जो भी आपकी यात्रा है, स्पेसिफिकली जिन लोगों ने इस ऑप्शन को चुना है, ऑप्शन वन को, आपकी यात्रा बहुत ही कंफर्टेबल जोन में जा चुकी है। इसलिए अगर आप हड़बड़ी में हैं तो वो हड़बड़ी आपके काम में अब नहीं आएगी। हैव फेथ इन योर सेल्फ, तो अगर आपको बैलेंस लाना है तो आपको इंटरनली ही फेथ करना होगा, यानी कि फेथ आपके अंदर होना चाहिए कि आप किस तरह से आगे बढ़ रही हैं, आप क्या करना चाहते हैं। आपके लिए जरूरी है कि आप गर्व से ये कहें कि हाँ, आपने ये जो जर्नी है अपनी कंप्लीट की है। ब्लैंक पेज, तो क्या करना चाहते हैं आप। ये फाइटिंग का कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड का, तो यहाँ पर आपकी जो न्यू डायरेक्शन है उसमें क्या नया लिखना चाहते हैं आप, ये पूरी तरह से आपके ऊपर ही निर्भर करता है। नेवर लेट प्राइड रुइन एवरीथिंग, तो अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है या फिर आप कुछ अच्छा कर पा रहे हैं तो उसके लिए प्राइड नहीं कीजिए, क्योंकि इससे चीज़ें खराब होती हैं। ईश्वर ने आपको कुछ ऐसे मौके दिए हैं या फिर आपके गुड कर्मास का ये नतीजा रहेगा या रहा है या आने वाले समय में आप देखेंगे, ये आपके गुड कर्मास का नतीजा है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है। तो जब आपने कुछ अच्छा किया है तो उसको प्राइड करके बिल्कुल भी खराब नहीं करना है। हाँ, आप अपने आप पे इस बात का गर्व जरूर कीजिए कि आपने जो कुछ भी किया है अपने हार्ड वर्क से कमाया है, आपकी खुद की कमाई है। लेकिन यहाँ पर अगर उसकी वजह से आप दूसरों को नीचे देखने लग जाते हैं या फिर नीचे गिराने लग जाते हैं, वो चीज़ ठीक नहीं, उसका ध्यान रखिएगा। लेकिन आप नहीं करेंगे ऐसा, क्योंकि मुझे लगता है आप अवेयर हैं चीज़ों को लेकर, आप चीज़ों को समझेंगे, देखेंगे और किस तरह से आप एक न्यू विज़न के साथ आगे बढ़ सकते हैं, आप उसकी तरफ फोकस करेंगे। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप बहुत हम्बल इंसान हैं और जीवन ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, इसलिए आपको ये पता है कि किसी को दर्द देना कैसा होता है या किसी को दर्द मिलना कैसा होता है। इसलिए आप उन लोगों में नहीं है जो किसी को दर्द देते हों। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि ये जो भी आपके लिए चीज़ें आएँ इस फुल मून में, उसमें आप अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट करना सीखें और देखें कि आपके लिए क्या चीज़ें किस तरह से काम में आ सकती हैं। बड़ी उलझी उलझी सी रीडिंग है वैसे आपकी, ये हो सकता है आप में से कुछ लोगों को उतना क्लियर ना हुई हो, क्योंकि यहाँ पे उलझा बहुत है। तो मुझे सिर्फ एक ही बात आपके लिए समझ में आई है, मेन जो सभी के ऊपर लागू होनी चाहिए, कि आपको कुछ अगर समझ में नहीं आता है या आपको लग रहा हो आपकी सिचुएशन में कि उलझाव है, तो जहाँ पर भी जिस रिलेशन, जिस इमोशन, जिस थॉट पैटर्न में उलझाव है, वहाँ पर अपने एक्शन जरूर लीजिए, लेकिन चीज़ों को बिल्कुल छोड़ दीजिए। ईश्वर पे सरेंडर कम्प्लीटली। आप अपनी लाइफ की हर सिचुएशन के लिए ईश्वर पे विश्वास कर सकते हैं अगर आप सही पाथ पे हैं, यानी कि आप सही कर्मा कर रहे हैं, सही चॉइसेस कर रहे हैं, आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे, किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए भी चीज़ें चेंज होती हैं। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस कुछ भी काम करें तो मुझे बहुत खुशी होगी। फुल मून इन कैंसर की एनर्जीज आपके लिए बहुत शुभ रहे और आप अवेयर रहेंगे, अवेयर हैं और आप हमेशा ही अवेयर रहने वाली सोल हैं, क्योंकि आप ब्लेस्ड हैं। इसलिए आप जो कुछ भी करेंगे वो आपको सही पाथ पे ले जाने वाला होगा। अपनी इंट्यूशन की सुनिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा अगर आप कर पाएं तो, नहीं कर पाएं तो ईश्वर पे सब कुछ छोड़ दीजिएगा, कर पाएं तो भी ईश्वर पे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि उससे बेहतर आपके लिए कि आपके लिए क्या होना है उससे बेहतर किसी को भी नहीं पता है। तो आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन टू, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपको डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं फुल मून कैंसर के बारे में। थैंक यू सो वेरी मच ये डिवाइन, आपके गाइड करना चाहते हैं फुल मून कैंसर की एनर्जीज में। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है एट ऑफ सोर्ड का, तो आप लोगों की रीडिंग के लिए जो भी कार्ड ऑप्शन वन में आए हैं टैरो कार्ड से, वो मैंने नहीं लिए हैं, वो मैंने हटा दिए हैं, यानी कि दोबारा डेक में ऐड नहीं किए हैं, इसलिए डिफरेंट कार्ड ही आएंगे। लेकिन अगर एनर्जीज रिपीट होंगी तो वो मैं आपको जरूर बताऊंगी।
यहाँ पे आपके लिए कार्ड है जस्टिस का, आर्चेंजल माइकल की एनर्जी। थैंक यू आर्चेंजल माइकल यहाँ पे होने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, आपके बात करना चाहते हैं। ऑप्शन टू को थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, आपकी गाइडेंस के लिए। क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड है, उनकी सुबह में श्री डिवाइन आपके गाइड करना चाहते हैं अपने कैंसर के लिए। थैंक यू सुबह में श्री डिवाइन। द हैंडमैन का कार्ड है ये, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए पेज ऑफ व्हील्स का कार्ड। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, आपके गाइड करना चाहते हैं फुल मून कैंसर के लिए। ओके द फूल का कार्ड है और रिवर्स है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, पार्टिसिपेशन का कार्ड है। आपके लिए कार्ड है राइटनेस का, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए मास्टर का कार्ड। ओके ओके, आपके लिए दो कार्ड आए हैं, ये कार्ड है मिरेकल्स का और ये कार्ड है आपके लिए फोकस का। वेरी गुड, मैनिफेस्टेशन का कार्ड है यहाँ पे। तो ऑप्शन टू आपके लिए जो पहला कार्ड है ये कार्ड है लॉर्ड हनुमाना का। लॉर्ड हनुमाना का कार्ड डेफिनेटली डिवोशन की बात तो करता ही है, लेकिन इस डेक के अंदर जो इसकी एनर्जीज हैं वो ये कहती हैं कि आपका अपने माइंड पे कंट्रोल होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर अगर आप अपने माइंड को सही दिशा नहीं देते हैं तो वो भटकता है और कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है जहाँ पर उसके लिए नुकसान उसको होता है। जैसे कि हमें पता है लॉर्ड हनुमाना की एनर्जीज में जब वो बालक थे तो उन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया था जो कि हमारे लिए कहानियों जैसा है, यानी कि हमको पता ही है। जैसे वो सूर्य की तरफ गए, उनको फल समझ के खाने की चेष्टा की, जैसे वो ऋषि मुनियों को सताते थे अपने बचपने में। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि अपनी माइंड को कंट्रोल में लाने की आपको ज़रूरत है, इसलिए आपको उस जगह से अपनी लाइफ को देखना है जहाँ पर आप अपने माइंड के कंट्रोल में ना हो, आपका माइंड आपके कंट्रोल में हो। यानी कि आपको अपने माइंड को इस तरह की मैनिफेस्टेशंस के अंदर लगाना है, उस पर फोकस करना है जहाँ पर आपका माइंड आपको कुछ पॉसिबिलिटीज को क्रिएट करके दे सके। तो यहाँ पर आपसे ये कहा गया है कि आप अगर अपनी पॉसिबिलिटी नहीं देख पाते हैं तो आपकी इंट्यूशंस ब्लॉक होती हैं। तो आपको अपनी इंट्यूशंस की सुननी है और आपको ये देखना है कि आपके लिए संभावनाएं क्या हैं। आपको अपने माइंड को किसी फोकस्ड एनर्जी में लगाना है, यानी कि आपको कुछ ऐसी चीज़ों पे फोकस करना है जो चीज़ें आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ देने वाली हों, या फिर आपको कोई न्यू बिजनेस आइडिया देने वाली हों, या फिर आपको कोई चीज़ सर्व करने वाली हो, या फिर आपकी लाइफ में वो कुछ क्रिएट करने वाली हो। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ये इंट्यूशन है कि आप में से कुछ लोग अपने जॉब को छोड़ के अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे और ये आपकी बहुत स्ट्रांग इंट्यूशन है, या फिर ये आपकी इच्छा है, या फिर आप कोई ना कोई ऐसा काम करेंगे जो आपके लिए साइड बिजनेस की तरह होगा लेकिन जो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। यानी कि ये चीज़ें आप सोच रहे हैं शायद पिछले काफ़ी वक्त से कि आप कोई बिजनेस करें या फिर आप जॉब छोड़ के बिजनेस करें, कुछ ऐसा आपके लिए हो सकता है। लेकिन यहाँ पे फूल का कार्ड रिवर्स आया है, रिवर्स कार्ड मैं लेती नहीं हूँ, ये इस डेक में कुछ कार्ड उल्टे थे लेकिन ये कार्ड आया है आपकी पाइल में, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही लिया है। अगर इसको आप सीधा करना चाहते हैं, अपराइट में करना चाहते हैं, तो आपको अपने डिसीजंस को देखना होगा। फूल डेफिनेटली जब फूल होता है पर्सन तो वो कुछ भी ऐसे डिसीजंस लेता है जहाँ पर उसको लगता है कि वो सही है और वो कुछ भी मूर्खता कर बैठता है। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आपको जस्टिस का कार्ड बैलेंस की बात करता है, न्याय की बात करता है, और ये लिब्रा की एनर्जीज की बात करता है। यानी कि यहाँ पर आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है, आपको रेकलेस डिसीजंस नहीं लेने हैं।
कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है जहां पे आप किसी के कहने में आके कुछ भी कर रहे हैं, बिना सोचे समझे कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली ऐसी जगहों, ऐसे रिश्ते, ऐसे लोगों से दूर होंगे या हो रहे हैं, या आप हो चुके हैं, जहां पर आपको ये समझ में आया है कि कुछ लोग मूर्ख हैं आपके साथ में और आप उनके साथ में ज्यादा इंटरेक्शन नहीं करना चाहते। यानी कि यहाँ पे आप डेफिनेटली इस एनर्जी के साथ में चीजों को, सिचुएशंस को लेट गो कर रहे हैं कि भाई बहुत हुआ और बहुत पछतावा हो रहा है आपको किसी चीज का, या हो सकता है कि आप ऐसे लोगों के साथ में इन्वॉल्व हुए ही क्यों, या फिर आप ऐसे ग्रुप का पार्ट बने ही क्यों, या फिर आपने ऐसे लोगों का साथ दिया ही क्यों। यहाँ पे अफसोस है आपका, क्योंकि यहाँ पे आपको एक कार्मिक जस्टिस सर्व होते हुए देख रहे हैं, ये कर्मा का कार्ड है। तो आपकी सिचुएशन में आप किसी, डेफिनेटली ये चीजें आपके लिए भी हैं क्योंकि यहाँ पे कार्मिक कार्ड है। तो आपको सही दिशा में जाना शुरू करना होगा, आपको सही दिशा में अपनी एनर्जी लगानी होगी, सही चीजों पर आपको अपना फोकस करना होगा, यानी कि अपने फोकस को आपको शिफ्ट करना होगा, जो कि आप करेंगे इस फुल मून में। यहाँ पर भी फुल मून की एनर्जीज हैं, ये फुल मून आपको कहता है कि आप मास्टर एनर्जीज में हैं। तो आप खुद को अगर कम करके आंकते हैं तो डेफिनेटली आप गलत करते हैं। यहाँ पर ये न्यू मून की एनर्जीज हैं, तो आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो मिरेकल्स की तरह आपकी लाइफ में आ सकता है, लेकिन आपका फोकस कहाँ है। ये फुल मून आपसे कहेगा कि आप अपने फोकस को वापस लेकर आइए, जहां पर भी आपने कुछ ऐसी गलतियां कर दी हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, या फिर आपको लगता है कि लोग गलत हैं, आप ही सही हैं, या फिर आप बिना सोचे समझे, बिना कोई प्लानिंग किए आप बस भागते जा रहे हैं। यहाँ पे कार्ड है पार्टिसिपेशन का, ये कार्ड आपसे कहता है कि आपको चीजों को अप्रिशिएट करना सीखना होगा, आपको जो लोग सपोर्ट करते हैं आपको उनको अप्रिशिएट करना सीखना होगा, और वो आप सीखेंगे। यहाँ पर आप में से कुछ लोग फुल मून इन कैंसर की एनर्जीज में अपनी इंट्यूशंस की सुनेंगे और पॉसिबिलिटीज की तरफ जाएंगे, बजाय इसके कि आप उन चीजों की तरफ फोकस करें जो कि आपको सही डिसीजन नहीं लेने देती, आपको भागने पे इधर उधर मजबूर करती है, या फिर आपको लगता है कि आप जो सोच रहे हैं वो सही है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, तो यहाँ पर आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जीज में हैं, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि अपनी इंट्यूशन की सुनो, अगेन यहाँ पर आपकी इंट्यूशंस की एनर्जीज हैं, लेकिन साथ ही साथ आपसे ये भी कहा गया है कि इस एनर्जी को बढ़ाने का वक्त है, यानी कि अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को, अपनी अथॉरिटी को अपनी लाइफ में एक्सपेंड करने का वक्त है, आपको लाइफ के साथ पार्टिसिपेशन करने का वक्त है, अपनी लाइफ में जो आप न्यू आइडियाज, न्यू ग्रोथ लाना चाहते हैं उसमें आगे बढ़ने का वक्त है, बजाय इसके कि आप ये सोचे कि आप किसी कार्मिक लूप में फंसे हुए हैं, या फिर ये एनर्जीज आपको ट्रैप करके रखती हैं। कोई एनर्जी आपको ट्रैप करके नहीं रख सकती है, अनलेस कि आप अपने माइंड में ट्रैप नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि सभी चीजों को रोशनी में देखिए और अपने माइंड को उस जगह से बाहर निकालिए जहां पर आप अपने आप को ट्रैप मानते हैं। लाइफ के साथ पार्टिसिपेशन कीजिए ताकि आप इस राइपनेस की एनर्जीज में आ सकें और अपने लिए कुछ आप क्रिएट कर सकें, या फिर अपने लिए आप कुछ फ्रूटफुल बना सकें। तो ये फुल मून आपको इस चीज के लिए गाइड करेगा और डेफिनेटली आप वो चीजें करेंगे। इनके आप यहाँ पे चाहेंगे कुछ ऐसे कामों को करना जिससे कि आप अपने मास्टर हो सकें, बजाय इसके कि आप किसी के लिए गुलामी करें, या फिर आप किसी के अंडर प्रेशर काम करें, या फिर आप किसी के कहने में आके काम करें। यहाँ पर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं डेफिनेटली जो कि दिल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन अपनी सिचुएशन में फंस कर, या फिर अपनी सिचुएशन में आप अपने हालातों से मजबूर होकर कुछ कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन किसी के कहने में आकर आप किसी के साथ कुछ गलत कर रहे हैं। यहाँ पे ये एहसास आपको अंदर से है, ये आपको चीज़ हर्ट करती है, जो मुझे यहाँ समझ में आ रहा है। तो अगर ये आपके साथ रेजोनेट करता है तो लीजिए, नहीं करता है तो जिसके लिए करता होगा वो ले लेगा इंसान। तो आप वही मैसेजेस लीजिए जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली आपसे कहा गया है कि अब चीज़ों को रोशनी में देखना शुरू कीजिए और लाइट के साथ कनेक्ट होइए, जस्टिस के साथ कनेक्ट होइए, और साथ ही साथ आप प्रेयर कीजिए जस्टिस के लिए अगर आपको लगता है कि आप कहीं स्टक हैं। ये दो कार्ड स्टक एनर्जीज के हैं, दोनों ही कार्ड। ये हैंगमैन का कार्ड कार्मिक लूप की बात भी करता है, क्योंकि यहाँ पे ये साइन बना हुआ है। तो आप किसी कार्मिक लूप में अगर फंसे हुए हैं तो वो रिलीज करने का वक्त है, क्योंकि ये नाइन का कार्ड है और डेफिनेटली ये चीज़ें रिलीज हो रही हैं। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी ऐसी एनर्जीज रिलीज हो रही हैं, कार्मिक साइकिल खत्म हो चुके हैं वैसे, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो बचे बचे हुए कार्मिक साइकिल हैं वो खत्म हो रहे हैं, जो बाकी थोड़े बहुत रह गए हैं वो खत्म हो रहे हैं, और धीरे धीरे हो ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो अब समय है ना बहुत बदल चुका है। कार्मिक वाली चीजें, साइकिल्स वाली चीजें, कार्मिक लूप वाली चीजें, ये चीजें अब नहीं रहने की हैं, क्योंकि यूनिवर्स को भी बहुत कुछ और भी करना है। वो इन चीजों में ना तो अटका रह सकता है, ना ही वो आप लोगों को अटकाए रख सकता है, क्योंकि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, अर्थ एक्सपेंड कर रही है, कॉन्शियसनेस एक्सपेंड कर रही है। तो जो चीजें एक्सपेंड कर रही हैं वो चीजें एक जगह स्टक नहीं रह सकती हैं, और उसमें आप भी आते हैं, मैं भी आती हूँ, सभी
भी आते हैं डेफिनेटली, तो यहाँ पर आपके माइंड का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए और ये देखिए कि आपका माइंड किस तरह के मिरेकल्स क्रिएट कर सकता है, किस तरह के मिरेकल्स की पॉसिबिलिटीज है आपकी लाइफ में। जस्ट आपके फोकस को जैसे ही आप शिफ्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं और ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में खुशियाँ लाने वाली हैं। तो अगेन आपसे कहा गया है कि आपको अपने अपने जो अपना जो तेज है, आपका जो आपकी जो इनर लाइट है, उस पर फोकस कीजिए। योर सोल नोज यू आर गुड एनफ, तो डेफिनेटली आपको पता है कि आप गुड एनफ हैं, आप अच्छे हैं, आपको ये पता है। लेकिन आपको कुछ ऐसे लोगों का साथ मिला है या ऐसे लोग आपके आपके पल्ले पड़ गए हैं जो कि आपकी लाइफ में नहीं होने चाहिए थे डेफिनेटली। हीलिंग एनर्जीज, जस्टिस का कार्ड कहता है अपनी हीलिंग पे फोकस करो बजाय इसके कि बार बार खुद को वाउंडेड करते रहो। फुल मून इन कैंसर है तो इमोशंस की हीलिंग की बात करेगा और आप वही करेंगे, यानी कि आप हीलिंग एनर्जीज की तरफ जाएंगे, खुद को हील करेंगे। आप इंटेलिजेंट हैं, टैलेंटेड हैं, आपके अंदर नॉलेज है, एक्सपीरियंसेस हैं, रिलीज का यहाँ मैसेज है बट नो लॉन्गर सर्व टू यू। तो यहाँ पे आप उन चीज़ों को रिलीज करेंगे और उन चीज़ों को ऑनर करेंगे जो कि ब्यूटी से, एक्सप्रेशन से, पावर से आती हैं, इंटेलिजेंस से आती हैं, कॉन्फिडेंस से आती हैं। और आप उन चीज़ों को जाने देंगे जहाँ पर आप ऐसे लोगों के साथ में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं जहाँ पे या तो लोग आपको मूर्ख समझते हैं या फिर आप ऐसे लोगों की कंपनी में हैं जहाँ पे लोग कोई समझदारी वाली बात नहीं करते। आप डेफिनेटली उन चीज़ों को छोड़ रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। बहुत अजीब सी एनर्जीज हैं, पहली बार मेरे रीडिंग्स में इस तरह की एनर्जीज आई हैं। क्रिएट लव इन दिस सिचुएशन, तो यहाँ पे आपसे कहा गया है कि आप जिस भी सिचुएशन में खुद को स्टक मानते हैं या किसी कार्मिक सिचुएशन में खुद को स्टक मानते हैं या आप लगता है या आपको लगता है कि आप अपनी खुशियों का बलिदान करते आ रहे हैं लोगों की वजह से, वो चीज़ें आपके लिए खत्म हो रही हैं। लेकिन आपसे ये भी कहा जा रहा है क्रिएट लव इन दिस सिचुएशन, कि इस सिचुएशन में लव की एनर्जीज रखिए और प्यार वाली एनर्जी से सारी सिचुएशन को देखिए और खुद के साथ भी थोड़ा सा प्यार कीजिए। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे, टेक एक्शंस। पॉसिबिलिटीज़ के लिए एक्शंस भी आपको लेने होंगे, तो आपको ये देखना होगा कि आपके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और उसकी तरफ आपको एक्शन लेने होंगे। आपके एक्शन ही बताएंगे कि आपका क्या फ्यूचर होने वाला है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। स्टे फोकस्ड, अगेन फोकस्ड रहने का मैसेज है। तो आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्या आप कोई ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं जो कि आपके लिए सही नहीं है, आपके अपनी लाइफ में अपने कर्मास में कुछ गलत क्रिएट कर रहे हैं या आपने किया है, ये चीज़ें भी आपके लिए लाइट में आएंगी। आपको ये संभावनाएं समझ में आएंगी कि आपको क्या करना था और आपने क्या किया है या आप क्या कर रहे हैं। जब भी आपको ये समझ में आए तो कोशिश कीजिएगा कि आप उन चीज़ों को ठीक कर लें और आप लगातार आगे बढ़ते जाएँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी किसी से लड़ाई या तो हो चुकी है या फिर कुछ लोगों के साथ आपकी लड़ाई हो चुकी है। सॉल्वास ये साधना, रिलीज नेगेटिविटी, ये है ऐसी कुछ एनर्जीज। आपसे कहा गया है कि अपनी लाइफ में प्योरिफिकेशन लाने की आपको ज़रूरत है, अपने माइंड में अपने माइंड को प्योरीफाई करने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ के साथ एक पार्टिसिपेशन करने के लिए आपको पहले उस नेगेटिविटी को रिलीज करना है इस फुल मून में, जो कि आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ नहीं होने देती। डोंट स्टक इन योर पास्ट, यू विल गेन नथिंग इफ यू इन्वेस्ट नथिंग। तो यहाँ पे अगेन देखिए, ये फूल के ऊपर ही आके गिरे हैं दोनों कार्ड। तो ये आपसे ये कहते हैं कि फोकस कीजिए उन चीज़ों पे जहाँ पर आप इन्वेस्ट तो करते हैं लेकिन आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता, साथ ही साथ आप उसी एनर्जी में स्टक रहते हैं जो बार बार कार्मिक लूप की बात करती हैं। तो इसको मैं यहीं के लिए लूंगी, इसको मैं हटाऊंगी नहीं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ओके, स्टे लॉयल, स्टे फेथफुल, स्टे टू टेस्टिंग टाइम। तो आप अपने लिए कितने फेथफुल हैं, कितने ट्रू हैं और अपने ट्रू सेल्फ के साथ आप कितना काम करते हैं, ये देखने का वक्त है। लर्न फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक्स एंड मूव ऑन। तो आपसे डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसी गलती हुई है या आपको रियलाइज होगा कि आपने की है जिसके लिए आपको पछतावा है, तो उन गलतियों से सीखिए या आप सीखेंगे और उन चीज़ों को रिलीज कीजिए जो कि नेगेटिविटी से आती हैं, गॉसिप या ट्रोमेटिक एनर्जी से आती हैं। डोंट हाइड इन द डार्क, यू आर बोर्न टू शाइन। तो आप यहाँ पे अपने मास्टर खुद हैं। आपने कुछ ऐसे हो सकता है बिजनेस के अंदर या फिर किसी ऐसे लोगों के साथ में कुछ इन्वेस्ट किया हो जहाँ पर आप खुद को स्टक मान रहे हो और अब आपको आगे निकलना है या आप आगे निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको जब अपनी सिचुएशन चेंज करनी है तो इस हीलिंग एनर्जी के साथ में आप आगे बढ़ेंगे और आप ये पाएंगे कि आप अकेले बहुत कुछ कर सकते हैं और लोगों की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ में कुछ भी नया क्रिएट कर सकते हैं, मिरेकल्स क्रिएट कर सकते हैं। बिलीव कीजिए मिरेकल्स के ऊपर ताकि आप उन मिरेकल्स को क्रिएट कर सकें।
ओवरऑल आपकी एनर्जी सही है, जो कुछ भी आपको रियलाइजेशन होता है, और ये फुल मून इन कैंसर वैसा ही है जैसे कि मैंने एनर्जी अपडेट में भी आपको बताया है, कार्ड भी आपके सामने ही है। तो यहाँ पर ये फुल मून आपको यही कहेगा कि जो चीज़ें सरेंडर करने वाली हैं उनको सरेंडर कीजिए, जो रिलीज करने वाली हैं उनको रिलीज कीजिए, टॉक्सिक बिलीफ सिस्टम से बाहर आइए, आपके इमोशंस के साथ में जो लेसन आपने लर्न किए हैं उनको देखिए, आप लाइफ में किस चीज़ को नरिश करना चाहते हैं, किस चीज़ को रिबिल्ड करना चाहते हैं, कहाँ आप रिचार्ज होना चाहते हैं, रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, उन सब चीज़ों को देखने का ये अच्छा मौका है, अच्छा वक्त है। अपनी जिन भी इमोशंस को आपने दबाया है उनको देखिए, उनको रिलीज़ कीजिए, जो भी आपको डिसीजंस लेने हैं अपनी लाइफ में उनको लीजिए, जिन लोगों को जाने देना है उनको जाने दीजिए, जो स्टबर्न एनर्जीज हैं, मैनिपुलेशंस वाली एनर्जीज हैं, जज या बुली करने वाली एनर्जीज हैं उनको जाने दीजिए, क्योंकि ओवरऑल जो भी नेगेटिव है उसको यहाँ रिलीज़ करने का टाइम आ चुका है। रिलीज़ और रिलीज़ दो बार आपकी रीडिंग के अंदर है, तो आपको कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली रिलीज़ करना ही होगा। तो यहाँ पर जरूर देखिएगा कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि आप रिलीज़ करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, योर सोल नोज यू आर गुड एनफ, आपकी सोल जानती है कि आप बहुत अच्छे हैं, आप काफ़ी हैं और आप बहुत कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। जब जागो तभी सवेरा, जब आपको लगे कि चीज़ें सही करना है, सही हो सकती हैं उन्हें कर लीजिए, उसके लिए किसी खास विधि की, किसी खास मुहूर्त की ज़रूरत नहीं होती। जब भी हम जागते हैं तभी सवेरा हो जाता है, हम उठ जाते हैं। उसी तरह से जब भी आपको लगता है कि ये लाइट आपकी लाइफ में आ रही है या फिर आपको डिवाइन कुछ गाइड कर रहा है, उसको सुनिए और आगे बढ़ जाइए, वहाँ पे स्टक रहने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो होप कि फुल मून इन कैंसर की एनर्जीज आपके लिए बहुत ही शुभ रहे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसे रही। आपके समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपको डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं फुल मून इन कैंसर के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं फुल मून इन कैंसर के लिए ऑप्शन 3 को। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आपके लिए कार्ड है फोर ऑफ पीस का। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है फाइव ऑफ पीस का, हेलमेट और सिक्स ऑफ सोट लेंगे तीन कार्ड्स को। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, गुड मॉर्निंग कैंसर के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थ्री ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए हायरोफेंट का कार्ड। ओके, तो इस पाइल के अंदर मैंने वो कार्ड यूज़ नहीं किए हैं, टैरो कार्ड्स में दोबारा ऐड नहीं किए हैं जो भी कार्ड पाइल वन और पाइल टू में आए थे। तो अगर एनर्जीज रिपीट होंगी वो मैं आपको बता दूंगी, कार्ड तो रिपीट नहीं होंगे। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को कैंसर के लिए। यहाँ पर कार्ड है आपके लिए माइंड का। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, यहाँ पर कार्ड है थंडरबोल्ट का। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं इनोसेंस का। ओके, ये सारे कार्ड तो लेंगे नहीं पर देख लेते हैं। ये कार्ड है गोइंग विद द फ्लो का, ये कार्ड है सौरों का, ये कार्ड है लेटिंग गो का। आप यहाँ पे ऐसे इमोशंस को लेट गो कर रहे हैं इस फुल मून इन कैंसर में, जो आपको सर्व नहीं करते, जो आपको दुख और एनजाइटी की एनर्जी में रखते हैं, और आप गोइंग विद द फ्लो हो रहे हैं। ये कार्ड एस ऑफ कप्स का, तो डेफिनेटली कोई ना कोई न्यू बिगनिंग है आपके लिए और कुछ रियलाइजेशन है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, ये कार्ड है माइजर का, ये कार्ड है अवेयरनेस का। तो यहाँ पर ये कार्ड गिरा है माइंड के ऊपर, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको जो डिवाइन गाइड करना चाहते हैं वो ये है कि एक लैक वाली मेंटेलिटी से बाहर निकलना है, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड लैक की बात करते हैं, ये कार्ड भी लैक की बात करता है। तो लैक लैक वाली
माइंड सेट से बाहर निकलना है या पॉवर्टी माइंड सेट से आपको बाहर निकलना है, और एबेंडेंस की एनर्जी में जाना है, इनकी माइजर की एनर्जी से आपको जाना है किंग ऑफ पेंटकल्स की एनर्जीज में। आपका दिमाग यहाँ पर आपको लगातार ये मैसेजेस दे सकता है या देता है कि आपके पास में कमी है, कमी है, कमी है। तो यहाँ पे आप उन कमियों से बाहर निकल रहे हैं और एक न्यू बिगनिंग की स्टार्ट कर रहे हैं। इनकी आप उस माइंड सेट को डेफिनेटली यहाँ छोड़ रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं फुल मून इन कैंसर में, जो कि आपको पॉवर्टी कॉन्शियसनेस देता है या फिर आपको कहीं ना कहीं स्टक रखता है, आपको कहता है इतना ही है, ऐसा ही हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये कार्ड है अवेयरनेस का। तो देखिए आपकी जो एनर्जीज हैं ऑप्शन वन से आई हैं, वैसे तो सारी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली अवेयरनेस का कार्ड वहाँ पे है, जो लॉर्ड बुद्धा का कार्ड है, तो आप देख सकते हैं अगर उसमें से आप कुछ मैसेजेस सुनना चाहें तो, अगर आपकी मर्जी हो तो। प्रॉब्लम का कार्ड है ये कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटकल्स का। और यहाँ पर इस डेक से लेते हैं एक कार्ड। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आप क्या वेट करना चाहते हैं ऑप्शन थ्री को? म्यूजिक यहाँ पे आपके लिए कार्ड है फ्रीडम का। फ्रीडम ऐसी चीजों से जो कि आपको बांध के रखती हैं या फिर आपको स्टक रखती हैं। तो यहाँ पर आप जो सबसे ज़्यादा क्लियरली चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं वो कुछ टॉक्सिक बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं आपके, या फिर आपकी लाइफ की कुछ ऐसी रियलिटीज़ हैं जिनको आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर ये रियलिटीज़ आपके किसी भी एरिया या किसी भी लाइफ के फील्ड में हो सकती हैं, तो डेफिनेटली अपने हिसाब से देखिएगा। यहाँ पर कार्ड है आपके लिए सत्य का। सत्य बात करता है आपके लिए अगेन अवेयरनेस की, या फिर आपके लिए उस रियलिटी की, आपके ट्रुथ की, जो कि आपको पता है कि ट्रुथ है, यानी कि वो ट्रुथ जो कि सच है, सच सच वाला ट्रुथ, आपकी कहानियां नहीं, दूसरे की कहानियां नहीं, जो सच होता है वही सच। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आपके माइंड में जो भी बातें चलती हैं उसमें आपको ये देखना है कि आपके अंदर लैक ना हो। सच ये है कि यूनिवर्स में एबंडेंस है, सच ये है कि यूनिवर्स में किसी चीज़ की कमी नहीं है। जो भी यूनिवर्स के पास में है वो सभी लोगों के लिए पर्याप्त है, और यूनिवर्स सभी को देता है। अब दिक्कत ये है, या फिर होता ये है कि हम खुद को, अपने आप को ऐसे बिलीफ सिस्टम में या थॉट पैटर्न्स में बांध लेते हैं, या फिर समय में बांध लेते हैं, या फिर सोच में बांध लेते हैं, जिसमें कि हमें लगता है कि कमी है, या फिर हमारे लिए अभी हो नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें तब आपके लिए हो पाती हैं जब आप अपनी लेयर्स उतारते रहते हैं, यानी कि जो चीज़ें आपकी काम की नहीं होती, जो इमोशंस, जो बिलीफ सिस्टम, जो भी कहानियाँ, जो रिश्ते आपके काम के नहीं होते, उनको आप यहाँ लेट गो करते रहते हैं। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि अपने दिमाग को बहुत मशीन बनाने की बजाय, या फिर अपने माइंड सेट को एक ऐसी सिचुएशन में रखने के बजाय जहाँ पर आपका माइंड चारों दिशाओं में घूमता है, वहाँ पर अपनी कॉन्शियसनेस को वापस लाने की आपको ज़रूरत रहेगी। फुल मून इन कैंसर में स्पेसिफिकली आपकी बहुत क्लियरली, बहुत बहुत क्लियरली यहाँ पर लैक वाली मेंटेलिटी है। तो अगर ये आपकी नहीं है, तो क्या आपको ये लगता है कि आपको पैसों की कमी लगती है, फाइनेंसिस में आपको कमी लगती है, रिश्तों में कमी लगती है, या फिर आपको लगता है कि पैसों की वजह से आपके रिश्ते में कोई फर्क पड़ रहा है, या फिर आपको ये लगता है कि आपको कुछ बचा के रखना होगा, सेव करना होगा, भविष्य में ना जाने क्या होगा। फाइव ऑफ कप्स का कार्ड भी लैक की बात करता है, जहां पर आप उन चीजों की तरफ फोकस करते हैं जो आपके पास बची होती हैं, यानी कि आप उन चीजों से खुश नहीं होते हैं जो आपके पास में होती हैं, आप उन चीजों पे फोकस करते हैं जो आपके पास में नहीं होती, और आप उन्हीं चीजों का दुख या शोक मनाते रहते हैं, या फिर अपने हाथों से ही अपनी चीजों को जलाते रहते हैं। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि ये सारा जो माइंड सेट है आपके लिए खत्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप अपने सत्य को पहचान रहे हैं। अगर आप इस तरह के माइंडसेट में रहते हैं जहाँ पर आपके अंदर अवेयरनेस नहीं होती है, तो वहाँ पे फ्रीडम आ रही है। यहाँ पर आपके लिए जो भी सिचुएशन हार्ट ब्रेक की रही है, उससे आप बाहर निकलकर अपनी इनोसेंस में जा रहे हैं। नहीं जा रहे हैं तो आपको जाना चाहिए, जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। यानी कि आपको उन चीज़ों को देखना चाहिए जो कि आपको रात के अंधेरों से बाहर निकालती हैं। आपके सभी कार्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही है, अगर आप खुद भी देखें तो। यानी कि यहाँ पे थोड़ी सी लाइट है, यहाँ पे एक अवेयरनेस आ रही है, लेकिन एक डार्क एनर्जी है। डार्क से आपका लाइट में जाने का समय है जब आप अपने सत्य को पहचानते हैं। यहाँ पे कार्ड है फ्लावरिंग का, ये कार्ड है म्यूजिक का, सत्य का। यहाँ इन तीनों ही कार्ड्स के अंदर हाथ खुले हुए हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर हेरोफेंट का, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटकल्स का, यहाँ पर सत्य वाले कार्ड में इस लेडी फिगर का। तीनों ही हाथ खोल के यूनिवर्स से मांग रहे हैं, या यूनिवर्स को सरेंडर कर रहे हैं, या फिर एक समर्पण वाली एनर्जीज में हैं। ये कार्ड है म्यूजिक का। ये म्यूजिक आपके अंदर का हो सकता है, आपके दिमाग में चलने वाला म्यूजिक हो सकता है, आपको अपनी लाइफ में रिदम मिलाने के लिए म्यूजिक हो सकता है, या फिर कोई म्यूजिक आप सुन सकते हैं अगर आप
आप कोई म्यूजिशियन भी हो सकते हैं, एक उच्च कोटि के म्यूजिशियन भी आप हो सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपको ये लगता है स्पेसिफिकली अगर आप म्यूजिक इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं या आप म्यूजिक इंडस्ट्री में आप कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। और ये अच्छा करना इसलिए है क्योंकि आपके पास नॉलेज है, आपके पास एक्सपीरियंस है, और ये एक्सपीरियंस या नॉलेज अगर आपको इस लाइफ में नहीं है तो ये आपकी पास्ट लाइफ का हो सकता है। यानी कि ये गुण है जिसको आप अपनी उभार सकते हैं और उस कला को उभार कर आप अपने जीवन को जीवन में उसको अपना कैरियर भी बना सकते हैं। यानी कि स्पेसिफिकली अगर आप म्यूजिक से रिलेटेड है तो यहाँ पे कार्ड है आप, ये कार्ड है आपके लिए फोर ऑफ व्हील्स का। ये कार्ड कहता है कि आपको लैक वाले माइंडसेट से बाहर निकलना है और इस चीज को समझना है कि आपको अपना दिमाग इस चीज पे नहीं लगाना है कि मुझे सिर्फ बचाना है, मुझे सिर्फ बचाना है और कैसे बचाना है। जब आप बचाने की तरफ जाते हैं तो फिर आप कुछ बना नहीं रहे होते हैं। तो आपको सिर्फ बचाना नहीं है, आपको बनाना भी है। इसलिए आपको कहा गया है कि आपको अब इस चीज को लेके अपनी बाउंड्री सेट करनी होगी, या फिर आपको ये देखना सोचना होगा कि आप इसी सोच में ना रहें। आपको जो भी आपके प्रिजम्पशंस हैं या फिर जो भी अनुमान आप लगाते हैं जीवन को लेकर या आपकी पहले की सोच है, उसको यहाँ जला देने का वक्त है। अब ये आग आपके अंदर ही जलेगी। यहाँ भी आग चल रही है अंदर, यहाँ पे भी आग चल रही है। इस आग से एक अवेयरनेस आ रही है और आप अपनी उस इनर कॉन्शियसनेस को या फिर अपनी उस चाइल्ड लाइक इनोसेंस को वापस पा रहे हैं जो कहीं खो गई है इस वाली लैक वाली मेंटेलिटी के अंदर। आपकी खुशियां जैसे कहीं खो गई हैं इस लैक वाली मेंटेलिटी के अंदर। तो यहाँ पे वो सारी लेयर्स उतर रही हैं। ये थ्री ऑफ सोर्ड का कार्ड डेफिनेटली हार्ट ब्रेक की बात करता है। तो आपको कहा गया है अवेयरनेस लेकर आइए अपनी उस चाइल्ड लाइक इनोसेंस के अंदर, अपने जॉय के अंदर, और ये देखिए कि ये अवेयरनेस आपके अंदर ही है, ये खुशियां आपके अंदर ही हैं। लेकिन उस खुशी को देखना आपको चूज करना होगा जो कि आप इस फुल मून इन कैंसर में कर रहे हैं। ऐसे इमोशंस को रिलीज करना जो कि आपके हार्ट को सर्व नहीं करते या आपके हार्ट को हार्ट ब्रेक में रखते हैं और आप उसी एनर्जी को बार बार रिपीट करते रहते हैं या फिर अपने अतीत के पन्नों में आप बार बार झांकते रहते हैं। उन पन्नों को, उन एल्बम्स को, उन कहानियों को, उन चैट्स को, उन चीज़ों को आप खोल खोल के देखते रहते हैं कि हाँ, हमारी लाइफ में ये भी हुआ था, हमारी लाइफ में ये भी हुआ था, इसने ये भी कहा था, इसने ये भी किया था, इसने इसकी वजह से ये भी हुआ था। ये लैक वाली मेंटेलिटी है, ये आपकी वो कॉन्शियसनेस होती है जहाँ पर आप अपने जीवन में कुछ भी नया क्रिएट नहीं करना चाहते। ये सीधी सी बात है। तो यहाँ पर आप उन चीज़ों से बाहर आ रहे हैं। अभी आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है, अगर आपको लगता है यही बिजनेस है आपके लिए तो आप उस जगह से बाहर आ रहे हैं, आपके लिए वो चीज़ें छूट रही हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आपका किसी बिजनेस में लॉस भी हुआ है तो आपके अंदर एक अवेयरनेस आ रही है कि ये लॉस क्यों हो रहा है, किस जगह आपको एक्सपेंड करने की ज़रूरत थी। अगर आपका ये स्टडी में है तो आप ये समझ पाएंगे कि आप अपनी क्षमताओं को कम करके आंक रहे थे और आप अपने फेलियर्स के ऊपर फोकस कर रहे थे, जबकि आप बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप अदर एरियाज में भी ट्राई कर सकते हैं। यानी कि जरूरी नहीं है कि अगर आप तीन रिश्तों में, तीन जॉब में, तीन इंटरव्यू में, तीन आप किसी कैरियर की जगह में फेल हुए हैं तो चौथी पांचवी बार भी आप फेल हों। ये तभी आपके लिए हो सकता है अच्छा, या फिर आप तभी चीज़ को अपना सकते हैं या पा सकते हैं जब आप इनोसेंट होते हैं। यानी कि आप जब भोले होते हैं, अच्छे होते हैं, मासूम होते हैं। चालाकी से या दिमाग को चलाए रखने से काम नहीं चलता, दिमाग की जगह आपको अपने दिल से काम लेना होता है। ये साल इसी का है। अगर आप अपने जॉय को फॉलो नहीं करेंगे, अगर आप बार बार एक लैक वाली मेंटेलिटी में रहेंगे तो आप अपने सत्य को नहीं देखेंगे। देखिए, जिस तरह की आपकी सोच होगी, यानी कि आपकी सोच जिस तरह की होगी, उसी तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी। और दूसरों की लाइफ में वही इंसान मैनिफेस्ट करते हैं या करने की कोशिश करते हैं जो ब्लैक मैजिक वगैरह ये चीज़ें करते हैं, कि स्पेल वर्क करते हैं और दूसरे की लाइफ को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, जो कि डेफिनेटली फुल मून और न्यू मून पे या अदर ऐसे अकेजन्स पे होता ही रहता है कि लोग करते हैं दूसरों की लाइफ को अल्टर करने की कोशिश। तो आपको उन चीज़ों में नहीं पड़ना है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, आपको अपनी लाइफ को सही करने पर फोकस करना है। अगर कुछ खराब भी होता है तो उसको आप दोबारा सही कीजिए, तीसरी बार सही कीजिए, चौथी बार सही कीजिए, और तब तक करते रहिए जब तक कि वो सही ना हो जाए। अगर आपको ये लगता है कि आप अपने उन लॉसेस के ऊपर ही फोकस करेंगे तो जो है उसको भी खो बैठेंगे। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि अवेयरनेस लाइए कि आपके वो कौन से बिलीफ सिस्टम है जिनको यहाँ पे चेंज करना है और जीवन को नए रूप में आपको देखना है। इनकी फाइव ऑफ कप्स की एनर्जीज में रहेंगे तो फिर इसी में बैठे रहेंगे, अफसोस करते रहेंगे और पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को याद करते रहेंगे और अपने आप को हर्ट करते रहेंगे। यहाँ पर आपसे कहा गया है फाइव ऑफ कप्स से अब सिक्स ऑफ कप्स में जाना है, यानी कि उन हैप्पी मेमोरीज को रखना है और आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि अगर आपको 10 ऑफ कप्स तक पहुंचना है तो डेफिनेटली आपको वो पड़ाव तो पार करने ही होंगे जो कि 6, 7, 8, 9 कप्स से आते हैं। अपनी विशेष की तरफ आपको फोकस करना होगा, चीज़ों को लेट गो करना होगा, लाइफ की जर्नी को आगे बढ़ाना होगा, जो कि आपके अंदर अवेयरनेस आ रही है फुल मून इन कैंसर में।
और आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं उन चीजों को करेंगे। आपके हार्ट यहाँ पे दोनों कार्ड ये फाइनेंसिस के हैं, कप का कार्ड इमोशंस की बात करता है, तो डेफिनेटली आपके इमोशंस आपके फाइनेंसिस जो हैं आपके लिए मैटर करते हैं, यानी कि ये आपका कैरियर का एरिया हो सकता है, आपकी रिलेशनशिप हो सकते हैं, आपके फाइनेंसिस हो सकते हैं, आपकी इमोशंस हो सकते हैं, फैमिली भी आपकी हो सकती है जहां पर भी आपका पैसा और दिल लगता है, ये सारी वही चीजें हैं। थ्री ऑफ सोर्ड का कार्ड जो बात करता है ये भी हार्ट ब्रेक की बात करता है, तो डेफिनेटली आप अपने हार्ट की जो इनोसेंस है उसको दोबारा पा रहे हैं, क्योंकि आप ऐसी चीजों को रिलीज कर रहे हैं फुल मून इन कैंसर में जो अब आपको सर्व नहीं करती, यानी कि यहाँ पर आपका पुनर्जन्म हो रहा है, एक तरह से आप अपनी लाइफ को रिस्टार्ट करना चाहते हैं। आपकी एनर्जीज में डेफिनेटली वो चीज़ें हैं जो कि उस जगह से आती हैं जहाँ पर आप एक उस कॉन्शियसनेस में होते हैं जहाँ पर आपको लगता है लैक है, तो अपने आप को समझते रहना, ये समझते हुए आगे बढ़ना जरूरी है। द प्रोसेस इज स्पीडिंग अप इन द राइट डायरेक्शन, तो आपका जो लाइफ का प्रोसेस है वो बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है, सही गति में जा रहा है, इसलिए अगर टावर मोमेंट भी आपकी लाइफ में आ रहा है तो वो भी आपकी लाइफ में एक आपकी ग्रोथ करने वाला ही होगा। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। योर स्ट्रेंथ, तो यहाँ पर आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आपका कॉन्फिडेंस ही है, तो अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए, स्ट्रेंथ से काम लीजिए, ये आपको लेना है। अपनी कमियों को देखने में भी स्ट्रेंथ लगती है, अपनी लाइफ में सही चीज़ों को फॉलो करने में भी स्ट्रेंथ लगती है, कुछ रिश्तों को छोड़ने में, कहीं पर आगे बढ़ने में, अपने लाइफ को लेकर डिसीजंस लेने में स्ट्रेंथ लगती है, स्ट्रेंथ लगाने की आपको ज़रूरत है। प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन, तो अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप डिवाइन यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आप यहाँ पर अगर कोई पोएट्री करते हैं या फिर आप कोई राइटर हैं तो अपनी बातों को आप शब्दों में भी लिख सकते हैं, और आपके हार्ट के अंदर जो पेन है वो आप शब्दों में भी उतार सकते हैं, यानी कि अपने दिल में आपको सारे दर्द रखने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपेक्ट मिरेकल्स, तो आपका दिमाग जिन चीज़ों में बहुत ज़्यादा चलता है वहाँ पर आप मिरेकल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूज़ हेलीकॉप्टर व्यू, तो अगर आपकी लाइफ में कोई टावर मूवमेंट आता है या फिर कोई लैक वाली चीज़ होती है तो उसमें एक लिमिटेड बिलीफ सिस्टम से या लिमिटेड जगह से देखने के बजाय उसके बड़े रूप को या वाइड जो एनर्जीज हैं उनको देखने की आपको कोशिश करनी है। कोशिश यही करनी है कि आप अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को ना देखें, आप ये देखें कि रियल चीज़ें क्या हैं, और उन चीज़ों को पहचान कर उस ऑथेंटिक सेल्फ के साथ अपने कनेक्ट होकर, अपने रियल सेल्फ के साथ कनेक्ट होकर, अपनी लाइफ की रियलिटीज को देखकर आप चीज़ों को यहाँ पे कर सकें। नेवर लेट प्राइड रन एवरीथिंग, तो यहाँ पर आपकी इनोसेंस खत्म हो जाती है जब आपके अंदर प्राइड आ जाता है, जब आपके अंदर ईगो आ जाता है, जब आपके अंदर लोगों को हर्ट करने की भावना आ जाती है। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है या हो तो वहाँ पे आपको प्राइड नहीं लाना, या फिर कुछ ऐसा नहीं करना जहाँ पर आप प्राइड की जगह से कुछ करते हैं और अपने और दूसरों के जीवन में कुछ खराब कर बैठते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो इन चीज़ों को अब आपको खत्म करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। चेंज इज हार्ट एट द फर्स्ट मैसी इन द मिडल एंड कॉन्शियस एट द एंड, तो अपनी लाइफ में बदलाव लाने के लिए आपके अंदर जब अवेयरनेस आती है, अवेयरनेस आपको लानी पड़ती है, तो चीज़ों को, कुछ टॉक्सिक चीज़ों को, टॉक्सिक बिलीफ सिस्टम को, रिलेशनशिप को, उन जगहों को छोड़ना मुश्किल होता है। चेंज आपको शुरू में थोड़ा सा कड़वा भी लग सकता है या फिर आपको हार्ड लग सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, लास्ट जब उसका होगा, एंड जब उसका होगा, वो आपके लिए गॉर्जियस ही होगा। दिस इज नॉट सेट इन स्टोन, तो आपकी लाइफ में कुछ भी फिक्स नहीं है, आप अपनी लाइफ को जब भी चाहे, जहां से चाहे वहीं से चेंज कर सकते हैं। ये सब आपके अपने ही हाथ में होता है कि आप अपनी लाइफ में क्या बदलाव करना चाहते हैं, कहाँ से करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं और किस तरह से करना चाहते हैं। कुछ भी पत्थरों में लिखा हुआ नहीं है जो बदला नहीं जा सकता, कुछ भी फिक्स नहीं है जो चेंज नहीं हो सकता। चेंज आपके लिए सभी चीज़ें हो सकती हैं, अगर आपका माइंड सेट चेंज होता है, अगर आपके थॉट पैटर्न्स चेंज होते हैं तो सब कुछ चेंज हो सकता है। और वो आपके अगर हायर पर्पस के साथ में, आपकी सोल कॉलिंग के साथ में जुड़ा हुआ है और आप अपनी सोल कॉलिंग के साथ में जुड़ना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में हर उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। अपनी लाइफ में, दूसरों की लाइफ में तो आप सिर्फ मैनिपुलेशन कर सकते हैं। अपनी लाइफ में चेंज करने के लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ता है। अगर आप इस बार भी अपने ऊपर काम नहीं करेंगे तो इस साल में ये अवसर भी आपके हाथ से चला जाएगा। तो ये फुल मून इन कैंसर बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करेगा आपकी, अपने इमोशंस को रिलीज करने में और उन चीज़ों को देखने में जो कि आपकी सोल की ग्रोथ के लिए, इस फिजिकल वर्ल्ड में रहते हुए चेंजेस करने आपके जरूरी हैं, जो कि आपकी सोल की ग्रोथ भी करेंगे और साथ ही साथ आपकी फिजिकल वर्ल्ड में जो भी आपको चेंजेस करने हैं, आपको जो भी पाना है वो आपको पाने में मदद करेंगे। लेकिन उससे पहले अपने सत्य को देखना है, अपनी रियलिटीज़ पे फोकस करना है, अपनी लाइफ में चेंजेस करने हैं और इन चेंजेस के साथ में आगे बढ़ना है।
तो होप ये फुल मून इन कैंसर की एनर्जीज आपके लिए बहुत ही शुभ रहें और आप वो सब पा सकें जो कि आपके लिए सबसे बेहतर है, आपकी सोल कॉलिंग के साथ जुड़ा हुआ है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।